आपकी सारी वीडियो देखती हूँ मैं। ये देखते रहना, खाली पापा देख रहे मुझे। परी नानी का कौन है? परी नानी कल रात बाग मिला था। राधा कृष्ण के मंदिर में जी जाएंगे गाइस, ठीक है? आ जा मौसी। मौसी क्या लेके आ रहे हो? ये तो हम ये गिलाई ला रहे हैं, ये बुखार की दवाई होती है, इसलिए हम नीचे गए थे सड़क पे, वहाँ हमें रास्ते में मिल गई, हमने सोचा घर ले जाते हैं। बुखार बहुत आ रहा घर में सब लोगों को, इसको कच्चे खाए चाहे उबाल के खाए, और थोड़ा सा एक टुकड़ा मुँह पर लगा देंगे तो दूर जाना नहीं पड़ेगा। नमस्ते भाभी, नमस्ते। उठ गए? सही तो बन रही है। आपकी सारी वीडियो देखती हूँ मैं। अच्छा, लाइक कमेंट करती हूँ, शेयर करती हूँ। क्या बात है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा डोभाल। कौन सी क्लास में हो? अच्छा वीडियोस देखते हो है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच यार। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और नया दिन नया सवेरा, और आज तो बहुत ही मस्त सा मौसम हो रखा है। कल बारिश हुई थी, रात को भी बारिश हुई थी और शाम को भी बारिश हुई थी, तो आज सही है ना, धूप है ना बारिश है, बादल लगे हुए हैं थोड़े बहुत, और अच्छा सा ठंडा सा मौसम हो रखा है। तो आज हम जा रहे हैं, कल नाना जी की तेरहवीं है, तो आज हम जा रहे हैं दूसरे गाँव में, इधर पड़िया गाँव का नाम है, वहाँ तक थोड़ा हम कार्ड वार्ड बांटने जा रहे हैं। सारी मंडली जा रही है हमारी, भाई बहन सारे लोग। और रस्ते में आपको अभी एक कहानी भी सुनाऊंगा, कहानी क्या वो सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन आप सुनोगे तो आपको भी मजा आएगा। तो फिलहाल आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए आप भी हमारे साथ में चलो। तो ये बच्चे कच्चे सब जा रहे हैं आज, आज इन सब ने फिर से लाल पहना है, सब ने लाल लाल पहना है। और इस बैग में जो है 360 लेंस रखा है। कल कमेंट आया था एक कि मेरे भाई का कि 360 भी यूज़ करो, मेरा फ़ोन 4K सपोर्ट नहीं करता है ना, तो 360 एडिट करने में मुझे दिक्कत होती है। तो अभी तक मैंने 360 किसी भी व्लॉग में डाला नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ एक दो शॉट्स ले लूँ और फिर किसी के फ़ोन पे एडिट करके फिर डाल लूँ। और साथ ही साथ पानी भी लेके आएंगे, क्योंकि पानी की दिक्कत है और आज और ज़्यादा मेहमान आने वाले हैं। तो आदिति कहाँ जा रहे हो आप? पैसे लेके जा रहे हैं। आदिति ये किसका पर्स है? नानी का। किस नानी का? परी नानी का। कौन सी नानी का? परी नानी का। कौन है परी नानी? नानी। आपकी नानी का नाम परी है? कहाँ चल रहे हो इधर आप? चलो फिर पर्स से आप हमें पार्टी कराओगे पर्स से? हाँ। कितने पैसे आपके पर्स पे? एक ही है। एक ही पैसा है? हाँ। उस पैसे से कितने क्या खाएंगे हम? गुड़। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। यहाँ पे जो है आजकल एक परंपरा चल रही है, रोज जो है किस मतलब सबसे छोटी वाली मौसी है ना, तो किरण मौसी किचन की हेड है, तो सब लोग बोलते रहते हैं किरण मौसी खाना दे दो खाना दे दो। तो बच्चे भी नाम से लेके अपनी नानियों को बोलने लग गए, परी नानी किरण नानी ऐसे ऐसे करके बोलने लग गए। चो कहाँ जा रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ रोज सारते तुम पानी। अरे 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 कहाँ भाग रहे हो? ये हंसी वादिया हमें जाना है पड़िया। उस गांव जाना है हमें, पड़िया उस गांव का नाम है। और आज शॉपिंग कराएंगी हमें अदिति। और आज हमें शॉपिंग कराएंगी अदिति। ओके अदिति, अदिति 10 रुपए दे दो प्लीज। लाला जी नहीं आ रहे, कितने दो ना, 10 रुपीज चाहिए, ओनली 10 रुपीज ले लो। आप पे तो पैसे ही नहीं है, ये तो 20 है, 10 चाहिए। थैंक यू। अब भूल जाओ, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। कमाई हो गई आज 10 रुपए कमा लिए। आगे आगे देखिए मैं कितने सारे बच्चों से लूटती हूँ पैसा। बात बता रहे हैं, वो कागज तूने चोरी किया ना? और भाई और भाई कल रात बाघ मिला था इतना बड़ा बाघ था, सीक्रेट मुच्छी भी थी। दिल का दरिया बह ही गया इसके बाद। भाई हमें कैसे मिलते हैं? अरे गौरव यू लाइक ओपी यू इतना ऊंचा। अब दोबारा
यहाँ पे पता, यहाँ पे पता क्या हो रहा है, हम कहीं भी जा रहे हैं ना, रोड पे चल रहे हैं हम, तो गांव के लड़के पता क्या कर रहे हैं, स्कूटी लेके इधर उधर दिन भर जा रहे हैं, इधर उधर सांप बना रहे हैं स्कूटी का, कभी इधर कभी उधर खड़े हो जा रहे हैं स्कूटी के ऊपर, पता नहीं क्यों करते हैं। पेट्रोल पे कहाँ से आ रहे हैं? अब यहाँ पे तो पेट्रोल पंप भी नहीं है, इतना पेट्रोल कहाँ से लेके आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम उस दिन से, हमने उस दिन से सिर्फ एक ही बारी पेट्रोल भरा है अभी, और उसमें भी मतलब हम अभी दूसरी बारी नहीं भराया, थोड़ा ही बचा है। देखते रहना, कहीं पापा देख रहे मुझे यहाँ क्या। मैंने कहा मेरे पापा बस लेके आने वाले, मिल ले बस लेके। तेरे पापा की बस नहीं है, वो उत्तराखंड रोडवेज की बस है। दोस्तों यहाँ पे ना ये पहाड़ के सामने आवाज टकरा रही है बिल्कुल। गौरव लेखवार अच्छा है, ये माँ बेटी फोटो खिंचाने के लिए तैयार हो रखी है, कोई भी चारों की फोटो ही नहीं खींच रहा, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारा व्लॉग बना लेता हूँ। अरे खींच रहे हो फोटो की नहीं, व्लॉग बन रहा है यहाँ तो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, और इतनी प्यारी 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 लोकेशन में आके, आज धूप भी नहीं है ना तो बहुत मजा आ रहा है। पीछे का व्यू इतना तगड़ा है ना यहाँ पे, कैसा लग रहा है तुम्हें? सब आओ इधर, मजा आ गया गाइस, अच्छी जगह पे आके। और अब हम जल्दी से चलते हैं पड़िया, और फिर क्या करते, कार्ड बांटेंगे और फिर हम राधा कृष्ण के मंदिर में जी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? राधा कृष्ण के मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर में जी जाएंगे गाइस, ठीक है? हाँ तूने यही बोला था। चलो पहुँच गए हम पड़िया में, और अब ये कुछ कार्ड है ये यहाँ पे बांटने, और फिर जाएंगे घर। उधर से आए हम इतना पैदल। अच्छा मदर ने की जा रखी है, कितने कार्ड है? पूरा हैंडपंप आ जाओ वहां पे, हैंडपंप पता नहीं गिर, माता पिता गिर गए। उसका भाई नहीं, ससुर जी है उसका। किसका ससुर जी है? उसी स्कूटी वाले वाले बच्चों को देख रहे, उसका भाई नहीं है बोलो, उसका ससुर जी। अरे गोरी को देख एक बार, गोरी को देख बोलिए क्या, गोरी को देखो जरा कैसा आ रहे, क्या काले आ रहे तुम अभी तो लगता है कैमरे में कवर अभी है, हम तो गोरे क्या है। कैमरे में बहुत बड़ी इंजरी हुई है, अभी हम गोरे नहीं आ पा रहे गाइस, बट हम आपको बता रहे हैं हम बहुत गोरे, इतने गोरे हैं ना कि मतलब हमको पहले के जमाने में बल्ब की तरह यूज किया करते थे, सीएफएल वाला, पीला वाला नहीं। अभी पर तो गोरी दिख रही है, गोरी दिखी। गाइस जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा बहुत गोरी दिख रही होंगी मैं, लेकिन ये थोड़ा सा लाइटनिंग का असर है, मैं इससे थोड़ा और गोरी सच्ची। और मेरे पीछे मत भाग यार, अरे बुआ जी आ रखे आप, इतने दूर आ रही है बुआ जी। नमस्ते, इतने दूर कैसे आया बुआ जी? नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। कितने दूर? हाँ वो भी आई, सब आया, सब बाबा आए। अच्छा, ये ऋषिकेश वाली की नौनी धना मौसी की, ये कैलाश मौसी की नौनी, ये कैलाश मौसी की नौनी, ये राम पकड़ी थी मौसी देरी में फोड़ में देवरा ने आवे ब्यूट है। हाँ अब तब पुल में देवरा कहीं की कहा तुम्हारी भाभी, पहले का मिल आने ये बंदा, अब तब भींटे में बच्चा नहीं नहीं को बाबा को बाबा, तब बन सयानी की नतीरी में तब पचानी में। अच्छा राधे 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 राधे
के नीचे से है? क्योंकि हम लोगों के डोकरों से जा रहे हैं तो वो हमें गाली दे रहे हैं क्योंकि पुराने लोग। तो हम यहाँ पे बाटा बिरड़ गए हैं और अब हम लोगों के डोकरे कुर्सते कुर्सते गए तो लोगों ने हमें गाली दे दी। हमें जाना है रोहनिया तो अब हम ऊपर से जाएंगे। तो यही अपडेट आपको देना था, ब्रेकिंग न्यूज है ये, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं हम आपको गौरव लिखवा यूट्यूब चैनल पे। बाटू भूल गए। अब हम यहाँ की जनता से पूछना चाहेंगे। हाँ जी मैम बताइए, यहाँ पुराना था पहले इधर से रास्ता था और अब मच्छी कुंडू है, कहीं वाली मिलने का काम कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप जनता कितनी परेशान है और रोनिया जाना है इन्हें तो अब इन्हें मुश्किलों की कठिनाइयों से झेलते हुए पता नहीं क्या। छोटे छोटे बाल बच्चे हमारे, हम कैसे जाएंगे भाई इधर से बताओ, रास्ता बनाना चाहिए ना। तो अब इन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो रिपोर्टर गौरव लेखर के साथ कैमरामैन मुस्कान सेमवाल उर्फ लवरा बने रहे। वाह क्या एक्टिंग करता है क्या। तो दोस्तों हम रास्ता भटक चुके हैं और वो कहते हैं ना शॉर्टकट कभी कभी भारी भी पड़ जाता है, आज हमारे साथ वही चीज हुआ। दीदी 12 साल पहले आई थी यहाँ पे और उसे 12 साल पुराना रास्ता याद था, उस रास्ते से लेके जा रही थी हमें और वो रास्ता अब जंगल बन गया। तो हम फिर वापस आ गए यहाँ रोड पे और अब थक लग गई हमें, तो इसीलिए कहते हैं कि शॉर्टकट कभी कभी भारी पड़ जाता है, तो आज हमारे साथ वही हुआ है। तुम्हें थक नहीं लगी आदिति आपको? क्यों पारी करो मामू को, इतना जोर वाला पारी मामू भी करेंगे आपको। मैंने दीदी को कहा 12 साल में दीदी का कॉलेज कंप्लीट हो गया, उस टाइम पे वो स्कूल पढ़ती थी, फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद दो बच्चे हो गए, बच्चों को लेके आ जा रखे यहाँ पे और कह रही 12 साल में सब उथल पुथल हो गया। गांव में अब कोई नहीं रहा, सब चले गए, गांव वालों ने खेती करना छोड़ दिया तो रास्ते भी बंद हो गए और ऐसा इतनी झाड़ी उग गई है कोई साफ करने वाला ही नहीं है। सो रहा था मुस्कान, भैया मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। क्या क्या फिर से बोल, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। मेरी इच्छी भैया 10 रुपए दे देना। अरे 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 शर्मा गई, ऐसा भी शर्माना था। वाह वाह क्या एक्टिंग करती है। तो भाई पहुंच गए हम घर पे और अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, मतलब सारे लोग आ गए हमारे और मामा जी लोग भी आ गए हैं, सब गेस्ट लोग मतलब सारे मेहमान लोग आ गए हैं। तो आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, तो अभी जो है आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरा व्लॉग इसके बाद स्टार्ट करेंगे और अभी मैं कहीं पे एक कॉर्नर पकड़ता हूँ और फटाफट से एडिट करता हूँ क्योंकि बाद में फिर एडिट होगा नहीं, अब थोड़ा भीड़ भड़ाका हो गया ना तो फिर थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा, तो फिर अभी फटाफट से एडिट कर देता हूँ ताकि शाम को व्लॉग टाइम पर आ जाए, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब जरूर करना अगर मेरे चैनल पर नए हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगे। ओके बाय।